अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, एसएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सरिता कुमार। आज हमारे साथ है एडवोकेट दिनेश कुमार जी। दिनेश कुमार जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान रचा, सभी को एक समान समानता दी और सभी को सम्मान से जीने का अधिकार दिया, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? सरिता जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा अवश्य हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसका मुख्य कारण था कि जो हिंदू धर्म है वो एक अमानवीय धर्म है, जो मानव से नफरत सिखाता है। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जितना जाति के आधार पर अपमान सहन किया, तिरस्कार सहन किया, शायद किसी भी महापुरुष ने इतना नहीं किया होगा। बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया उसके पीछे 5 कारण हैं। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार करने की पहला कारण यह था कि ये भारत का मूल धर्म है और ये सनातन धर्म है, ये प्राचीन धर्म होने की वजह से बाबा साहब ने इसको स्वीकार किया। दूसरा, ये मानवतावादी धर्म है, इसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात कही गई है, ये मनुष्य मनुष्य को समान समझता है, इसमें स्त्रियों के हक अधिकारों की बात कही गई है, इसलिए बाबा साहब ने इसको स्वीकार किया। और इसका जो तीसरा कारण है वो ये है, ये धर्म विशुद्ध रूप से विज्ञान पर आधारित है, इसमें कहीं भी किसी भी आडंबर, ढंग, पाखंड के लिए कतई कोई जगह नहीं है। और ये चौथा कारण है वो ये है कि बाबा साहब चाहते थे कि यदि मैं बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लूँगा तो मेरे जितने भी लोग हैं वो बुद्ध धर्म को अपना लेंगे, बुद्धिस्ट बन जाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं वो उनको संरक्षण देंगे, वो उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और एक पांचवा कारण ये था कि जब हमारे लोग जो सदियों से सताए गए हैं, जाति आधार पर उनको अपमानित किया गया है, तिरस्कृत किया गया है, तो जब वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित रूप से उनका आत्म सम्मान बहाल होगा। इस वजह से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।